पार्ट जो है कि देश प्रदेश से जगह जगह से लोगों को बुलाया गया है। अच्छा। और उनके साथ परिवार के जो जिनकी शादियां भी हुई हैं लड़कियों की, अच्छा, उनको भी निमंत्रण किया गया है। दगड़ियों में आपको दगड़ा महेश भंडारी अपने YouTube चैनल दगड़ ब्लॉग्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कर इन पहाड़ की हसीन वादियों से। तो दगड़ियों, आज जो मैं ब्लॉग स्टार्ट शुरुआत होनी चाहूँ 9:30 और अभी मैं अपना घोरा का जस्ट पिछना चाहूँ ये उस मेरे घोर समणी और मेरा घोरा का जस्ट आप लोग समय देखने वाला पूर्व मौसम चेंज हो गया। तो दगड़ियों, आज का लगातार 3-4 दिन मुझे बहुत तेज बर्क होने लगी च, देख रहा हूँ लोग मेरी भी जैकेट पहनी चाहिए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड होना चाह। तो मैं थोड़ा आपको मौसम में जानकारी दे दूँ, आजकल ना रोज इधर तेज़ बर्फ होने की नहीं चाहे श्यामा टाइम हो तो बहुत तेज़ बर्फ होनी चाहे। तो अभी फ़िलहाल 9:30 छिन और सुबह सुबह बरखा मतलब बूंदा बांदी शुरू होगी ना और समय देख रहा हूँ लोग ठीक थोड़ा जूम कर दिखा दूँ या ठीक देखा लोग चल तो पूरी बर्फ ही बर्फ होनी चाहे और ऐच आप लोग आसमानी आवाज़ सुन सकता ये देखा लोग। तो दगड़ियों, मिला आप थे अपने एक ब्लॉग में बताए छो कि हम जो पूर्ण छिन्न यू वाली जो हम गौरा का जस्ट बगलम छिन तो यू मवेर बुत्याण कूद। तो दगड़ियों, कूद बुती गया लगभग सब के ही पूर्णों माँ मतलब जो सारी जा वो सारी सारी मतलब हॉल लग गया और सभी आप देख सुना हमारे जो गोर छिन वो अभी बर कम चला छिन ये समेणी। तो दगड़ियों, उस समय आप तो कुछ लोग दिखाने वाला तो वो हमारे गाँव का लोग छिन बकरा चराना छिन। तो देख सुना हम लोग पहाड़ों की ज़िंदगी का अंजा लोग ठंड हो गर्म हो बर्फ हो तो दगड़ियों चाहे बर्फ भी पूरी दे तो लोगों को अपना बकरा चराने पूरे दिन के लिए आप लोगों को तो पता चाहिए कि आजकल जो हमारा बकरा पूरे दिन वो भूखा नहीं रह सकते। तो वो देख आप लोग समय बकरा चराना छे ना इधर तेज बर्फ हम भी। तो दगड़ियों, मई को मैंने ख़त्म होने वाला था जूनों मैं शुरू होने वाला था। तो दगड़ियों आप लोगों को पता लगे पहले मई और जूना मैंने कहा गर्म होने चाहो अब लगातार बर्फ होनी चाहिए तो ये मई और जून में बहुत ज़्यादा ठंड होनी चाहिए कि बसान क्या कपड़ा जैकेट जुकेट पहन पुनी चाहिए। तो दगड़ियों देखना लोग पिछना हमारे जो जंगल चा वो कदर तेज बर्फ होनी चाहिए वहाँ समय ठीक समय और वहाँ ज़्यादा दगड़ियों वहाँ ज़्यादा तेज बर्फ होनी चाहिए उख समय ठीक उना देखना लोग। तो दगड़ियों समय मेरे गोर छ जो तो वो बर्फ हम पूरा बिगिन आ लोग ये समय छ आना और इधर सामने लोग बर्फ लग गया झमाझम। तो दगड़ा हमारा घोर बटे ना ऐथे नहीं दिखा था किले ऐथे घोर था तो इधर सामने लोग झमाझम बर्फ लगी चरित्र को मैं एकदम नहीं देख तैयार हो गया हूँ और अब मैं तेज चा भंडर खाऊ जाऊँ छो मैं आज और कक जाऊँ छो आप ब्लॉग में फिर पता चले जाऊँ। तो फिलहाल मैं भी अपना गाँव का सबसे बड़ा वाला घोर में ही चाहूँ सबसे लंबू घोर चा तो आप तो थोड़ा दिखा चाहूँ। दगड़ा हमारे गाँव को ना सबसे लंबू घोर यू चा और सबसे बड़ू जग सब्जा परिवार चा पहली तो देख ना हम लोग उग बटेन और एक तक पूरा लंबू घोर यू छा गाँव को सबसे बड़ू। तो फिलहाल ये इना इना के सकून रहा एक फूबरान चा फूबू खत्म होगी ने और ना समझ रहे यस लोग और अमू लोग। तो फिलहाल ये घोरम सिर्फ अब दुई मोरन है ना और ये गुन्नू वानू तो दगड़ा ये इसका नाम है वानू। हेलो हाय करते हेलो क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका नहीं तो देखो ये है गुन्नू हेलो। तो ये है इनका घर है और जिस नाम लोग उग बटेन और उग तक सबसे लंबो घोरी हुई चा। तो बहुत सी दीदी बुनी रंदिन कि हम वो घोर दिखाए अगर कोरदा रंदिन हो और कोरदा बटे में थे कि मैसेज करना रंदिन और ब्लॉग का माध्यम से पूछना रंदिन कि हम वो घोर कब दिखाने वाले छे। तो ये चूंकि घोर दगड़ा मैं जानू छा भंडर खानों को और मेरे अमू पिछना यो चा तो अमू था आप लोग मेरे ब्लॉक में दिख दी होला। तो फिलहाल हमारा गांव हमारे ग्राम सभा एक गांव च फुकरी गांव तो कुछ 3-4 दिन लगातार पूजे होनी च तो आज भंडर चा और हमारे जो ग्राम सभा हमारे गांव का छिंजो तीन गाँव का तो सब तुमको मतलब बोले च। तो अभी हम जाना छा भंडर खानों को तो मैं आप देखिए सीधा उखे मिल दूँ और आप बने रहें ब्लॉग में लास्ट तक बहुत मजा आने वाले ब्लॉग में। तो दगड़े यो छा फोकरी गांव और फोकरी गांव में पहुँच गया तो आप लोगों को थोड़ा सी धार बटे दिखाना चाहिए कि कल लगो फोकरी गांव
जो फोखरी गाँव छम्बर ग्राम सभा को तो यो देश नाम लोग तौर बटन एस तक और समय आपते दिखाण होलो एक मोड़ी से पूजे और पूर्व गाँव चिको को तो देश नाम लोग पहाड़ में भी बादल लग गया छन। केला करना चाहिए तो भैया जी आप केला प्रसाद तो करना होला ना, केला प्रसाद तो करना प्रसाद तो बते हैं जरा पूजा बारे में जो पूजा होनी चाहिए मतलब क्या विषय होनी बते सकते जरा पूजा जो था हम नाग राजा की नहीं मुझ लाइक दिन दिन तो भगवान पूजन होगा पाठ होगा अच्छा और आज हम पूजा समाप्त का मूर्ति का स्वागत हो गया अच्छा भैजी के हम केला करना छीने और प्रसाद होने और समय दूसरे भैजी छीने तो इतना साइड में कीर्तन होना छीने तो अभी भैजी कुछ बताया तो मेरे मतलब ढंग से सुन नहीं सकती कीर्तन सुने अपनी तो फिलहाल लगातार 3 दिनों बड़े की पूजे होनी चाह और 3 दिन बड़े लगातार पूजे आज लास्ट दिन है तो आज बंद हो चा सामने कीर्तन हुआ थोड़ा मैं बलराम पहुँच गया तो आप लोग सुन सुना मत कीर्तन होने से समय खाना बन चा इना तो मैं जाना आपते और ना दिखा थोड़ा बहुत एक हम बंडरों को बनी पूरी तो देश नाम लोग और एक समय हमारा कारीगर नीरज और मंत्री जी भाई जी नमस्कार अभी बड़े भाई जी तो एक हम पूरी बनने छे ना आज बंडर चा और सभी भाई जी पूरी बनना छे ना देश नाम लोग
तो आज भंडरों मतलब पूजो के लास्ट दिन और भंडरों हूँ चिकमा। तो फिलहाल अभी पूरी तैयार होनी छे समेणी और समेत बड़ा बैजी बया छिन। तो लगभग ये गांव का सभी लोग आजकल गौ रहे छिन पूजे गांव को और पूरी बननी छिन। नमस्ते भाई जी, पूरी बनना छिन भाई जी, बड़ा भाई जी, हाँ बढ़िया भाई जी। तो सुना लो तो समेल जान में आप थे और यूँ भाई जरूर तो पूछो तो भाई जी आप बता सकते हैं मुझे एक बार हम जरा। ये हमारा जो है नाग राजा देखता है यहाँ पर इनकी स्थापना की गई है, नई मूर्ति लाई गई है। अच्छा, और ये मूर्ति जो है पुरानी हमने जो है उसको सेमुखी में उन्होंने विसर्जन किया है वहाँ। हाँ। और उसके बाद जो है कि देश प्रदेश से जगह जगह से लोगों को बुलाया गया है। अच्छा, और उनके साथ परिवार के जो जिनकी शादियां भी हुई हैं लड़कियों की। अच्छा, उनको भी निमंत्रण किया गया है। अच्छा, इस भंडारे में यहाँ पर बुला दिया गया है और उन लोगों का भी हम आशीर्वाद है और गाँव वासियों का भी और समिति का भी। नागराज समिति हमारी ग्राम पोखरी की, उसके हम उनका भी हम सभी लोग उनका अभिनंदन भी करते हैं। और जो है आगे से हमारा ये प्रतिज्ञा है कि ऐसे ही भविष्य में भी आगे कार्यक्रम चलते रहेंगे। अच्छा। और वहाँ एक जगदम्बा है, वहाँ भी हमारा जो है कार्यक्रम वहाँ भी चल रहा है। वहाँ भी हमारे एक अपने जो उसके देवी के पुजारी हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। और गांव के बाहर से जो अन्य लोग भी आए हैं वो भी माता के दर्शन करते हुए और प्रेम से आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी कुछ देर बाद प्रसाद और जो नाग राजा का भोग होगा वो सबको वितरण किया जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। बड़ा वैजिक बटैन वैजर आप बच्चे आपको बटैन है। अच्छा, मैं देहरादून से आया हूँ। मैं भी पोखरी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, देहरादून से आया हूँ। काफ़ी खुशी हुई यहाँ पे ग्राम वासियों को देखते हुए जिन्होंने हमारे नाग देवता की यहाँ पर स्थापना की है। अच्छा, नाग देवता पहले भी थे लेकिन अभी थोड़ी बड़ी मूर्ति में इनको परिवर्तित कर दिया है। सभी से हमारी आज्ञा है सभी लोग दर्शन करें। तो और आप हमें शुक्र गुजार, धन्यवाद। तो दोस्तों इन तरफ है क्या हवन की तैयारी शुरू। देश दाम लोग जो भी जितने भी ब्राह्मण लोग छिन क्योंकि पोखरी गांव जो गांव चा वो पूरे ब्राह्मणों गांव चा वो सब ब्राह्मण लोग रहन। तो सभी लोग जो गांव का छिन वो हवन में बैठे छिन। तो मैं आपसे दिखाऊँ दो क्या हिसाब से हवन होनु छ। Thank you.
दगड़ियों अब देखो बहुत तेज बरखा लग गया समणी भैर, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो दगड़ियों बहुत तेज बरखा लग गया और समणी हवन भी खत्म हो गया लगभग। तो हवन खत्म होने का तुरंत बाद बरखा लग गया। तो समणी के तालुक सभी लोग जो टीन सेट वो बनी हुई चाह वहाँ का तो लगे नाबुक समणी। तो दगड़ियों एक हम भैजी और मेरे दोस्त नीरज फुकरा लिख हम आप लोग दिखना होला प्रसाद बनना छिन। तो मैं आपको दिखा दू तो देखो दस नाम लोग अब नया कारीगर है कि ना कारीगर नए नया कारीगर एक पूरी वाणों को तो अभी तक पूरी बनने की छीन की और टैग भी था देख सकते हम लोग। कुछ लोग मंदिर में छे ना कुछ लोग मंदिर बड़े भैराना प्रसाद लेगी और उस समय प्रसाद बंटा होना चाह और ना कुछ लोग भी खड़ा रहना छे। तो कुछ लोग जो खड़े हुए छे वो कुछ मंदिर जाना छे और कुछ बंडर खड़ा मूड़ी। तो इन्हें दिखा मैं आपसे समणी। तो समणी एक बंटे होना चाह पूरी और छोला दे सो नाम लोग। तो पूरी छोला बंटा स्टार्ट हो गया और लोग खाने को एकदम तैयार हुए छे। थोड़ा समय दिखा मैं आपते और सब। पहले टाग उठ गया और दूसरे टाग बैठने तैयार नहीं चाह। तो उस समय जैसे आम लोग तो पहले टाग उठना तुरंत देखा दूसरे टाग बैठ गया खाने को मतलब जाना चाहिए खाने को नहीं देश आम लोग सभी लोग और कुछ लोग ऐज खड़े हैं और देखा लोग कभी का हलचल भी चाह। और ये सब क्या वजह से कि बर्फ की वजह से लेकिन बर्फ का मौसम खराब था और बर्फ आने लगी जो Thank you.
ऊपर मत क्या यार। दुगने योच मंदिर जखी पूजा हुई है तो मैं आप थोड़ा भीतर दिखा दूँ समड़ी कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो नया पंडित जी छो नवारा और नागराज जितना लोग जो मूर्ति स्थापना है और समड़ी देख सकते हैं हम लोग। हमारा छोटा पंडित जी तैयार है लिंगतु भाई जी के लड़के और ये एक पुजारी छो मतलब भीतर मंदिर में बैठे छो तो ये काम सीखने लगे पंडित भाई। अच्छा तो बहुत बढ़िया। और कुछ बुन चली है तो दगड़े यो अपने पापा जी का मतलब इधर मंदिर में बैठे छो और ये सब वहाँ पिठे पुठे लगाया लगातार 3 दिन बैठे थे ना तो लगातार दगड़े 3 दिन बैठे हुए लड़का बैठे फिलहाल तो देख सदा हम लोग। तो दगड़े आएगी अभी बॉर्डर खाई और मैं आप जाना था घर तो आप लोगों को तो पता कि आज पूरा दिन बर्फ ले जा थोड़ा बर्फ आने फिर घाव होने फिर बर्फ हो जाओ तो लगभग आज दिन मेरे बहुत बढ़िया रहा। और आप अपने ब्लॉग के समाप्त में ही कर दो आज से कर दो। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ लो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करा और कमेंट में जरूर बता आप लोग का बटन मेरी वीडियो देखता और आप लोगों को एक शेयर करने से कि जो लोग एन होला पूजा वहाँ जो लोग एन साइक होला वो लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे ब्लॉग का माध्यम से अपना गाँव का जो आप बोलते कि पूजा पाठ हुआ जो भंडर हुआ वो देख सकते हैं कि क्या हिसाब से भी आज भी गाँव में जो हमारा पुराने रीति रिवाज है के हिसाब से कि जो हम बैठे खानों खाना वो लोग देख सकते हैं हम मेरा ब्लॉग का माध्यम से। और आज ये कर दो आप लोगों में देखिए जो प्यार सपोर्ट कहीं चाहो आए तेरे करना रहा और ज़्यादा शेयर कर रहे हैं वीडियो थे ताकि जो लोग ए नहीं होला और ए नहीं साइको होला वो लोग मेरी वीडियो दे सका। धन्यवाद।